में पुलिस ने जल निगम के अधिशासी अभियंता राकेश उपवन के खिलाफ संविदा कर्मी कर्मचारी की पत्नी से शारीरिक छेड़छाड़, फोन पर अश्लील बातचीत करने और झांसा देकर 2.5 लाख कैश हड़पने के आरोप में केस दर्ज किया है। पीड़िता ने जल निगम के XCM राकेश उपवन की नग्न अवस्था में संविदा कर्मी कर्मचारी से मालिश कराते हुए एक वीडियो और अश्लील बातचीत की ऑडियो भी पुलिस को सौंपी है। आरोपी XCR फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। संबल जनपद में जल निगम के XCN के खिलाफ शारीरिक छेड़छाड़ और फोन पर अश्लील बातें करने के आरोप में केस दर्ज कराने वाली बेजोई थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता का आरोप है कि उसका पति जल निगम के अधिशासी अभियंता राकेश उपमन के कार्यालय में संविदा पर कर्मचारी के पद पर नौकरी करता है। संविदा पर होने की वजह से XCN राकेश उपमन पिछले एक वर्ष से लगातार उसके पति का शोषण कर रहे हैं। अक्सर नग्न होकर उसके पति से अपने जिस्म की मालिश करवाते हैं। यही नहीं, काफी लंबी समय से उसे फोन पर अश्लील बातचीत कर शारीरिक संबंध बनाने के लिए तरह तरह के झांसे दे रहे हैं। पीड़िता ने XCN राकेश उपवन पर वाहन खरीदकर जल निगम में भाड़े पर लगवाने का झांसा देकर पति से 2.5 लाख की रकम हड़पने का आरोप भी लगाया है। पीड़िता ने XCN राकेश उपवन से अपने परिवार के लिए खतरा भी जताया है। फिलहाल बेजोई थाने की पुलिस ने संविदा कर्मी चपरासी की पत्नी की तहरीर के आधार पर जल निगम के XCN राकेश उपवन के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरे पति जल निगम ऑफिस में प्राइवेट नौकरी करते थे। जैसा कि आपने वीडियो दिया है कि मालिश कराते हैं, क्या क्या कराते थे, कैसे परेशान करते थे? हम ये देते थे, मालिश वालिश कराते थे और गलत व्यवहार करते थे उनके साथ। अब जैसा कि आपने आरोप लगाया है, DM साहब को शिकायत दी है कि वो आपसे भी फ़ोन करके चैटिंग करते थे, असली बातें करते थे, ये क्या पूरा मामला बताओ। वो मेरे पास फ़ोन करते थे और बहुत गंदी गंदी असली बातें करते थे और धमकी देते थे कि अगर आप हमारे साथ ऐसा नहीं करोगी तो हम आपके पति को काम पे से निकाल देंगे, फिर देखेंगे आपके बच्चों का पालन पोषण आप लोग कैसे करोगे। तो इसमें आपको कैसे क्या झांसा दिया था, मतलब किस तरह का लालच दिया था उन्होंने? जैसे आपने कहा कि पार्लर भी खुलवाने को कहा था, गाड़ी वालों को किस तरह का? हाँ, पार्लर भी कहा था उन्होंने, ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए, लेकिन वो बस गाड़ी के लिए भी कहा था आपसे कुछ जी, कोई गाड़ी लगवाने के लिए पैसा वैसा लिया था आपसे? गाड़ी लगवाने के लिए कहा था जी। आपने शिकायत किससे की है? DM सर से की थी। अभी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुई है। जैसा कि बता रहे हैं कि लेटर आप शिकायत मुख्यमंत्री से भी करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ? बहजोई में जल निगम के एक अधिकारी द्वारा एक औरत पर उस पर शारीरिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। चूँकि प्रकरण यह है कि जल निगम के जो इंजीनियर साहब हैं वो उनके यहाँ एक यहीं बहजोई के लोकल का एक आदमी था जो चपरासी के तौर पर वहाँ काम करता था, प्राइवेट था। ये आदमी उनके यहाँ लगभग साल भर से था और फिर धीरे धीरे फिर ये उसकी पत्नी भी, बच्चे भी उनके घर आने जाने लगे। ये उसकी पत्नी से कुछ गलत शब्दों में बात करते थे तो उसने अपने पति को बताया। जब पति ने उनसे पूछा तो उन्होंने सारी बात उनकी सही निकली और इस पर उसने थाने में अपनी एक तहरीर दी है जिस पर मुकदमा FIR कायम हो गया है। अब जाँच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।